So next exercise is exercise 1.2. First of all, the concept of exercise 1.2. First concept is null, void or empty sets. इन तीनों वर्ड का सेम मीनिंग है. नल का मतलब भी खाली, void का मतलब भी empty, खाली, empty का मतलब भी खाली. मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम नल सेट कहते हैं, void सेट कहते हैं या empty सेट कहते हैं. एक सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर लेस देन वन. एलिमेंट एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर लेस देन वन. अब आप बताओ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं. तो क्या वन से छोटा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. इट मीन्स इस सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स नहीं आएगा, तो ये खाली सेट है. इसी तरह के सेट को हम नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट. और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इट इज लाइक दिस. सिर्फ हम ब्रैकेट बनाएंगे और पाई. सेट में पाई का मतलब जीरो होता है, मीन्स जीरो एलिमेंट, तो पाई कहते हैं. बट अगर आपने ये एम्प्टी ब्रैकेट में फाइव को भी लगा दिया, देन इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट, तो आपका गलत हो जाएगा. देन इट डजंट रिप्रेजेंट एम्प्टी. अभी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आगे आने वाले कंसेप्ट में हम देखेंगे कि कब आप ब्रैकेट के अंदर फाइव को रिप्रेजेंट कर सकते हो. बट करेंटली सिर्फ आप इतना समझो, जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है या जो नल सेट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ये ब्रैकेट से या पाई से. ये फर्स्ट कंसेप्ट था. अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. अब आपको ये बताना है, आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. तो हमने क्या सीखा, नल सेट वो सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. ओके, चलो वन 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 देखते हैं. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू. अब क्या कोई ऐसा ऑड नंबर है जो टू से डिविजिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता. तो ये आपका नल सेट है, बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है? बिल्कुल होता है, टू होता है. तो अगर एक भी एलिमेंट उस सेट में आएगा तो वो नल सेट नहीं है. तो सेकेंड वाले केस में ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है. थर्ड केस में देखो, x is a natural number where x is greater than 5 but less than 7. अब बताओ क्या कोई ऐसा एलिमेंट है या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से तो बड़ा है बट 7 से छोटा हो? पॉसिबल ही नहीं है. जो 5 से बड़ा होगा वो 6 भी हो सकता है, और 6 और 7 से छोटा होता है. बट यहाँ उन्होंने क्या कहा कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो 7 से तो बड़ा है बट 5 से क्या होना चाहिए, छोटा है. इज इट पॉसिबल? अगर मैं ये कहूँ, एक मिनट मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ, मैंने शायद मिसरीड कर दिया था. x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5. आपसे ये पूछा गया कि कोई ऐसा नंबर बताओ, नेचुरल नंबर, तो 5 से तो छोटा हो. देखो जिस तरह फेस ओपन है, x की तरह फेस ओपन ही, x जिस तरह पॉइंट होता है वो चीज छोटी होती है. इस केस में x जो है 5 से छोटा है, लाइक 3, 4, 1, 2 ये नंबर होंगे x की पॉसिबल वैल्यू, ये हो सकती है. और इस केस में x जो है 7 से बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर जो पॉइंट है 7 की तरफ है. तो अगर इसका फेस x की तरफ ओपन है तो ये बड़ा है. अब 7 से बड़े कौन से नंबर होंगे? 8, 9, 10. तो देखो कोई कॉमन नंबर आ रहा है? तो कोई कॉमन नंबर नहीं होने का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो पर 7 से बड़ा हो. तो ये भी आपका नल सेट है. ओके, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं. y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस. ये तो पैरेलल लाइंस है. क्या दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? देखो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता. हाँ, इंटरसेक्शन लाइन हो तो एक कॉमन पॉइंट होता है. यहाँ भी आपका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये भी आपका एम्प्टी सेट है. इट मींस
फर्स्ट पार्ट जो है वो एम्प्टी सेट है, थर्ड पार्ट जो है वो एम्प्टी सेट है, तो फोर्थ पार्ट जो है ये भी एम्प्टी सेट है। ओके तो फर्स्ट पार्ट आपका एम्प्टी सेट है, सेकंड नहीं है, बाय बिकॉज सेकंड में हमने ये देखा कि टू एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है, अगर एक भी एलिमेंट उस सेट के अंदर रिप्रेजेंट होता है तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता है। थर्ड आपका एम्प्टी सेट है, फोर्थ भी आपका एम्प्टी सेट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट ये वर्ड से तो हम फैमिलियर है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, काउंटिंग नॉट पॉसिबल, कितने वो एलिमेंट्स आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कितने एलिमेंट्स है, राइट। राइट द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, अब एक साल में कितने महीने होते हैं एग्जैक्टली हम बता सकते हैं 12 है, तो ये फाइनाइट सेट है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका ये एक फाइनाइट सेट है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब सो ऑन ये जो नेचुरल नंबर है कहां पर खत्म होंगे क्या आप बता सकते हो, क्या नेचुरल नंबर कहीं कंप्लीट होते हैं, क्या एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कितने नेचुरल नंबर है, नो। तो जो सेकंड वाला है आपका ये इनफाइनाइट सेट है। थर्ड वाला देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है 100 पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ बता सकते हैं कि टोटल नंबर जो है वो 100 है, तो एग्जैक्टली अगर हम बता सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है क्या हम काउंट कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 29, यस ये हम बता सकते हैं, 2, 3, 5, 7 ऐसे जितने भी प्राइम नंबर 29 से कम होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट, दिस इज योर फाइनाइट सेट। इन पार्ट टू फर्स्ट वाला फाइनाइट सेट है, सेकंड वाला इनफाइनाइट है, थर्ड वाला फाइनाइट है, फोर्थ वाला इनफाइनाइट है, एंड फिफ्थ वाला फाइनाइट। ओके लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। State whether each of the following set is finite or infinite. The set of lines which are parallel to the x-axis. Set of lines which are parallel to the x-axis. So, ये आपका x-axis है. अब set of lines आपको draw करने हैं जो x-axis के parallel हैं, like 1, 2, 3, 4. तो क्या कोई लिमिट है, आप काउंट कर सकते हो कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, नॉट पॉसिबल, और अगर हम एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो एक इनफाइनाइट सेट होता है, राइट। देन सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये हम काउंट कर सकते हैं कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसको हम एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होता है। सेट ऑफ अ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 पे कितने मल्टीपल है ये काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि न्यूमरस ऐसे नंबर है जिनके लास्ट में 0 और 5 होता है, वो सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 5, दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके देन सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अब ये भी एक डिबेटेबल आपका क्वेश्चन है। सेट ऑफ एनिमल्स देखो बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया होते हैं, इनको भी एनिमल्स में काउंट किया जाता है, बट एग्जैक्टली वो एनिमल्स में काउंट नहीं होते, वो एनिमल्स में नहीं आते, तो अगर आप उनको भी काउंट करोगे तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये डिबेटेबल है, अभी डिपेंड करता है कि आपकी टीचर क्या करवाती है, अगर वो करवाएगी कि ये इनफाइनाइट सेट है, अगर आपकी टीचर कहती है इनफाइनाइट है तो आप उसको इनफाइनाइट कर लेना, अगर आपकी टीचर कहती है कि ये फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट कर, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। देन सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0, एक ओरिजिन पॉइंट से कितने सर्कल आपके पास हो सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0
सही है आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन पॉइंट है एक आपका, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, से 1, 2, 3, 4, कोई लिमिट ही नहीं, इनफाइनाइट सेट। जो आपका आंसर होगा, फर्स्ट वाला सेट आपका इनफाइनाइट है, सेकंड फाइनाइट, थर्ड इनफाइनाइट, फोर्थ मैंने ये आपके ऊपर छोड़ा है कि आप उसको फाइनाइट, डिपेंड ऑन द टीचर, अगर टीचर कहे कि फाइनाइट करना तो फाइनाइट कर लेना, इसके दोनों ही आंसर पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आप किस सोच के साथ जाते हो, और ये आपका इनफाइनाइट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, लाइक एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए बी सी है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट बी सी ए है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर दोनों ही सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, लाइक इसमें ए है तो यहाँ भी ए है, सेट ए में बी है तो सेट बी में भी बी है, सेट ए में सी एलिमेंट है, सेट बी में भी सी एलिमेंट है, तो ये एक इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके साथ मैंने एक सेट और ले लिया सी, सी ए बी, अगेन ये भी इनके साथ इक्वल सेट है, वाई, बिकॉज ए ए ए बी एलिमेंट आप देख सकते हो तीनों सेट में है, सी भी आपका तीनों सेट में, तो इट मीन्स ये भी आपका क्या है, ये आपका इक्वल सेट है। अब इसी के बेसिस पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आपको चेक करना, देखो ए ए बी बी सी सी डी, तो फर्स्ट वाले पार्ट में आप कहोगे इन फर्स्ट पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। पार्ट टू 4, 4, 8, 8, 12 है, यहाँ 12 नहीं है, सारे एलिमेंट्स मैच होने चाहिए, तो सेकंड वाले केस में हम कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। पार्ट थ्री 2, 4, 6, 8, 10, ओके एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। अब इसमें देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 10 या 10 से छोटे हैं, क्या क्या होगा, 2, 4 कौन कौन से आएंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। यू कैन सी दैट सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। देन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और यहाँ बी में क्या 10, 15, 20, 25, 30। यू कैन सी दैट 15 जो है मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, 25 भी मल्टीपल ऑफ 10 में वही नंबर आते हैं जिनके लास्ट में जीरो, तो यहाँ भी ये इक्वल नहीं है। तो कौन कौन से सेट इक्वल है, फर्स्ट वाला इक्वल है और थर्ड वाला इक्वल, यू कैन सी दैट फर्स्ट वाला इक्वल और थर्ड वाला इक्वल, रिमेनिंग टू सेट्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन इज आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। आपसे अगेन आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ये सेट्स इक्वल हैं, तो इक्वल की डेफिनेशंस मैंने क्या बताया आपको कि अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं तो वो सेट्स इक्वल होंगे, अदरवाइज नॉट। अब यहाँ जो ए सेट है इसमें जो एलिमेंट है वो आपका है 2 और 3, अब बी सेट में इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना होगा, लाइक एक्स स्क्वायर x² + 5x + 6 = 0, ओके। अब 6 की अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूं तो अगर आप 6 के फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर क्या होंगे, 2, 3 = 6, 3, 1 = 3, तो 2 और 3 को यूज करके आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, राइट, तो इट कैन बी रिटन एज x² + 2x + 3x + 6 = 0। व्हाट वी विल गेट, अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं तो x + 2 + 3 कॉमन लेते हो तो ये भी क्या होगा x + 2, तो यहां से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा x + 2, थ्री अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 2 = 0, ओके। देन x + 2
एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो हमें x की वैल्यू देखनी है, हमें यहाँ पर क्या देखने की x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x प्लस टू आपका जीरो के इक्वल होगा तो x विल बी इक्वल टू माइनस टू, राइट। और अगर x प्लस थ्री को मैं जीरो के इक्वल लेता हूँ तो x विल बी इक्वल टू माइनस थ्री। इट मीन्स b के केस में जो एलिमेंट है वो है माइनस टू और माइनस थ्री, बट a जो है आपका वो टू थ्री है। वी कैन से दैट जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इन दिस केस a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b, ओके। देन पार्ट टू, पार्ट टू में जो a है, a सेट है, उसमें जो x है वो क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो में कौन कौन से लेटर होंगे, f o l w। b सेट में जो y एलिमेंट है वो क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड वॉल, अगेन w o l f। अगर आप देखो सेम है, आगे पीछे ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एफ दोनों में दिखाई दे रहा है आपको, ओ एल और डब्ल्यू। इट मीन्स सेकेंड वाला जो पार्ट है आपका, उसमें हम कह सकते हैं कि ए और बी जो सेट है वो इक्वल है, ए और बी सेट जो है हमारे वो क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट वाले में इज नॉट इक्वल टू बी, बट ऑन द अदर एंड जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारा ए सेट जो है बी के क्या इक्वल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स की क्या डेफिनेशन होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेट ए 2 4 8 12, अब देखो 2 4 8 12 कहीं दिखाई दे रहा है किसी में, नो, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखो सेट बी और सेट डी के एलिमेंट तो सेम है, 1 2 3 4। वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू डी, और वी कैन से दैट ई इज इक्वल टू जी। आई थिंक ये दो ही पेयर है यहाँ पर इक्वल सेट्स के, आई डोंट थिंक और कोई ऐसा पेयर है जो इक्वल है। ए और बी सी इक्वल नहीं है, ई और जी हमारा हो गया, और एफ और एच पे भी कुछ इक्वालिटी नहीं है। तो आउट ऑफ दी सिक्स सेट्स, 1 2 3 7 सेट्स, बी सेट इज इक्वल टू डी एंड ई एंड जी आर इक्वल सेट। दो पेयर है हमारे पास जो इक्वल सेट्स के, यू कैन सी दैट बी इज इक्वल टू डी, ई इज इक्वल टू जी। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है ये कंप्लीट हो गई है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद अवर न्यू एक्सरसाइज।